बहुत एक्साइटेड हूँ. यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम है और एक अचीवर्स अवार्ड मिलना इज ऑलवेज इट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. सो हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी प्रेपरेशन चालू है. ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं कितना अलाउड है. बट डेफिनेटली जैसे इसे मैंने ट्वीट में भी कहा आज दैट टुडे जेन्युइनली मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ क्योंकि एक मैंने मन में बोल दिया था कि मुझे राजामौली सर के साथ काम करना है और वो पूरी हो गई. सो और पूरी हो रही है. सो दैट ग्रैटिट्यूड आई रियली फील इमेंसली. और मेरे इट्स माई फर्स्ट टाइम वर्किंग यू नो इन द साउथ इंडस्ट्री. सो आई एम रियली एक्साइटेड. नाम प्रदेश कर रहा है महाराष्ट्र अचीवर्स अवार्ड्स. अच्छा लगता है जहाँ पे आप पले बड़े हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से आपको ऑनर मिले और तारीफ मिले तो अच्छा लगता है. तो बहुत खुशी की बात है और बहुत आनंद की बात है मेरे लिए. ये अच्छा लगता है, अच्छा लगता है. ये मेरे भाई भी आजकल हाउ इज़ द जोशी पूछते हैं मुझसे तो अच्छा लगता है जब भी कोई आपके किरदार का नाम या कोई आपके डायलॉग इतना रेजोनेट कर जाए तो हमेशा अच्छा लगता है. पर रियल उसके जो विजेता होते हैं वो तो राइटर होते हैं जिन्होंने सोच के लिखा होता है. तो आदित्य धर को मैं श्रेय देना चाहूँगा जिन्होंने हाउस द जोश पैदा किया. तो थैंक यू. अच्छा लगता है. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. और महाराष्ट्र अचीवर्स अवार्ड है मेरा पहला आई थिंक महाराष्ट्र अचीवर अवार्ड है ये मेरे करियर का. सो ऑफकोर्स इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी हियर एट दिस. मेरे लिए अवार्ड्स भी मायने रखता है, रिवॉर्ड्स भी मायने रखता है. आई थिंक ऑडियंस का प्यार बहुत ज़रूरी है और उसके बाद जब जब लोग आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एंड दे यू नो रिकॉग्नाइज इट विद सम अवार्ड्स आई थिंक दैट आल्सो अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. At the Maharashtra Achievers Award, and it's I've read so much about it, I've seen so much about it, so it's great to be here. I can tell you more after I'm done with it. I can't speak about the projects yet. I did a film last with Rajnikant sir, which released recently, so you'll hear about it soon. Thank you. बहुत अच्छा लगता है जब हर फील्ड के लोगों को जो उनको मिलना चाहिए वो मिलता है. आई थिंक रिकग्निशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हमको आधे टाइम पता भी नहीं चलता क्योंकि बॉलीवुड और क्रिकेट के अलावा कोई और चीज़ में लोगों का ध्यान ज़्यादा जाता नहीं है. तो मेरे लिए भी बहुत एजुकेशनल होती हैं ये चीज़ें एंड आई फील रियली प्राउड कि हमारी कंट्री में इतने सारे लोग हैं जो इतनी अमेजिंग चीज़ें करते हैं. तो सारे विनर्स को कंग्रेचुलेशन. थोड़ा मराठी में कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन वो मेरे बस की नहीं क्योंकि मैं नाम का रानी हूँ. और इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू बी हियर. माय ग्रैंडफादर वाज फ्रॉम रत्नागिरी एंड सारी मराठी जब कोई पुलिस में जब कोई कॉप पकड़ते हैं सिग्नल पे तभी निकलती है, दिल से निकलती है तब मराठी. लेकिन उसके अलावा मैं बड़ी काफ़ी अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट प्रैक्टिस द लैंग्वेज अ लॉट बिकॉज आई ग्रो अप इन ग्वालियर. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. आई एम वेरी हैप्पी दे हैव इनवाइटेड मी एंड कहीं ना कहीं मेरे फोर फादर्स देख रहे होंगे, दे वुड ऑल्सो बी प्राउड.